पहले हम गरम घी में पनीर डालेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन तक रोस्ट करने देंगे। फिर उसमें स्पाइसेस जैसे काली मिर्च और नमक डालेंगे। फिर उसको थोड़ा और हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब उसको एक साइड में कर देंगे। फिर साइड में उसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। और फिर जो पनीर जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है उसे एक अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। ये हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, तो इसे अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। ऊपर से डाल लेंगे, फिर ऑनियन डालेंगे उसमें, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे उसको, पकाएंगे। फिर उसमें डालेंगे कॉर्न, और कॉर्न को अच्छी तरीके से रोस्ट करने के लिए इसमें नमक डालेंगे। फिर जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें दूसरे वेजिटेबल्स डाल देंगे, जैसे कि कैरेट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अब बहुत ही ज़्यादा पक गया है, अब इसको साइड में करके इसमें कैरेट डाल देंगे। फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट और मिंट और कोरिएंडर डाल देंगे। और इसी स्टेप पर आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको तीखा कम लग रहा है तो काली मिर्च डाल सकते हैं और नमक ऐड कर सकते हैं और ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको सर्व कर देंगे, एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर हम इस पे पनीर रखेंगे जो हमने ऑलरेडी रोस्ट किए हुए हैं, और ऊपर से आप चाहे तो और थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी कोकोनट या फिर हर्ब्स डाल सकते हैं। और ये खाने के लिए एकदम तैयार न्यूट्रिशियस सैलेड या तो साइड डिश रेडी है।